हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और मैं बी एन इंटर कॉलेज से अमित शर्मा आज सॉल्ट एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी बच्चों के हित के लिए सोचते हैं हमेशा कि उनका जो प्रैक्टिकल है और उनकी जो थ्योरी की क्लास है वो अच्छे से चले, तो इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर देखिए, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन एसिड रेडिकल, यहाँ देखिए 4 मार्क्स का है ये सॉल्ट एनालिसिस। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है 30 नंबर का। तो 30 नंबर के प्रैक्टिकल में आपका 4 नंबर का लवण का विश्लेषण सॉल्ट एनालिसिस आएगी। तो उसमें कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपको दिया जाएगा और उस सॉल्ट में आपको एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल निकालना होता है। ठीक, तो जैसे आप समझिए कि यहां पर अगर लेड नाइट्रेट है हमारे पास PbNO3 का होल ट्वाइस, तो यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा 2+2NO3-, तो ये क्या हो गया, बेसिक रेडिकल, और ये क्या हो गया आपका एसिडिक रेडिकल। ठीक है बच्चों, तो आज हम नाइट्रेट आयन का टेस्ट कैसे करेंगे इसको बताने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको क्या लेना है, सॉल्ट लेके, जो भी अननोन सॉल्ट है आपको पता नहीं है कि क्या है उस सॉल्ट में, सॉल्ट प्लस वाटर, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर, और ये बन जाएगा आपका क्या, ओरिजिनल सॉल्यूशन, यानी वास्तविक विलयन बन जाएगा ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन। वाटर में बनाते हैं इसको, क्योंकि रखा रखा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको रोकने के लिए हम उसको ताजा बनाते हैं, उस H2SO4 में डिजोल्व करके पानी में उसको बनाया जाता है। ठीक, ये ऐड किया। इसके बाद फिर वॉल के सहारे से, टेस्ट ट्यूब की जो दीवार है वॉल है, उसके सहारे से आप थोड़ा टिल्ट करके टेस्ट ट्यूब को H2SO4 यानी कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट H2SO4 के बाद आपको ब्राउन रिंग बनती हुई दिखाई देगी। किसी किसी में ज्यादा ब्लैक हो जाती है, ये डिपेंड करता है कि आप H2SO4 कितना ऐड कर रहे हैं उसमें। ठीक, आपने सॉल्यूशन कैसा बनाया, वैसे ब्राउन जो रिंग है उसको ब्लैक ना बोल के हम ब्राउन रिंग ही बोलते हैं। तो इस तरह से वो ब्राउन रिंग अगर अच्छे से किया है आपने तो ब्राउन रिंग ही बनेगी। क्या बनेगी, तो ब्राउन रिंग ही बनेगी। समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। अब इसमें रिएक्शंस देखते हैं बच्चों हम। ठीक, उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ कि जो ब्राउन रिंग बनी है, वो जो कंपाउंड बना है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक, तो मान लीजिए हमने कोई सॉल्ट लिया और सॉल्ट लिया नाइट्रेट कंटेनिंग, नाइट्रेट तो होगा ही होगा, जब ही तो टेस्ट देगा वो। तो इसमें हमने PB, हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं कि फर्स्ट ग्रुप का या सेकंड ग्रुप में भी आता है PB2+, उसको ले लिया हमने लेड नाइट्रेट। PB लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया आपने, क्या बनाया, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। तो पहले ना ये जो H2SO4 है ये रिएक्शन करेगा,
H2SO4, ठीक, जो रिएक्शंस हो रही हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, H2SO4, यहां पर बनेगा PbSO4 प्लस 2HNO3, PbSO4 प्लस 2HNO3 ये इसमें बना, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो HNO3 है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 से भी रिएक्ट करेगा और H2SO4 तो रहता ही रहता है, तो यहां पर होगा FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस HNO3, ये जो बना है HNO3, ठीक है बच्चों। तो यहां जो बना है कंपाउंड वो बना है Fe2SO4 का होल थ्राइस, यानी फेरिक सल्फेट बना है, और फेरिक सल्फेट के बाद जो बचा है कंपाउंड बच्चों वो बचा है यहां पर H2O और ये NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड ये यहां पर बना है। अब इसको बैलेंस करने, बैलेंसिंग इग्नोर की जाती है पेपर में भी थ्योरी में भी कि बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक। वैसे बैलेंस कर दीजिए, बैलेंसिंग में आप देखेंगे कि यहां पर 6 लिया गया है तो यहां 3 लिया गया है, फिर H2 भी चेंज हो जाएंगे उस हिसाब से, H2 यहां पर 4H2O कीजिए और यहां 2NO कीजिए, 2NO, ठीक है। तो यहां फिर इसके हिसाब से 4 2 8 हो गए, तो यहां 4 आ जाएगा ये, और यहां 2 आ जाएगा, ठीक है, यही बैलेंसिंग है, नहीं 3H2SO4 है, 4H2O है, यहाँ 3, 2H उधर से आ रहे हैं, 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हुआ, फेरिक सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट बना बीच में कंपाउंड, ठीक। इसके बाद जो आपका ये फेरिक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट के बाद फेरस सल्फेट FeSO4, क्योंकि सॉल्यूशन में ये तो रहता ही रहता है, ये तो हमेशा रहेगा ही, ठीक। ये फिर से इससे रिएक्शन करके FeSO4 प्लस NO प्लस NO प्लस 5H2O, 5H2O एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है FeH2O का होल 5 NO प्लस, अब बचा क्या इसमें, ये SO4 बचा है, SO4 किसके रूप में निकल जाएगा, यहां पर ये SO4 ये बैलेंस हो गया, यानी इस पर पूरे ये कौन सा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, आपने चैप्टर 9th में उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ा होगा, ये इस तरह का कंपाउंड यहाँ पे बना है, इस पर जो चार्ज है SO4 पर 2- है, इस पर जो होगा वो 2- तो इस पर 2+ होगा, क्लियर। ये कंपाउंड बना है और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन, ठीक, इसी की वजह से बनती है ब्राउन रिंग, कंपाउंड ये है यहां पर, समझ में आ गया बच्चों। तो ये रिएक्शंस हैं जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट में काम आएंगी, और वीडियो को शेयर कर कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक, क्योंकि इससे ही आपको नोटिफिकेशन पता चलेगा, और वीडियोस बहुत सारी हैं प्रैक्टिकल्स की, उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।